खाने के लिए देने के लिए। तो हमारा मछली देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और ये लिए बहुत टेस्टी रहता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग ज्योति स्ट्रगलर ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग जैसा कि देखे कि मैं मछली धो रही थी, तो आज मैं मछली ही बना रही हूँ, कतला मछली। और ये मेरी बेटी है छोटी, को मेरी बहुत पसंद है मछली। और मेरी बड़ी भी स्कूल गई हुई है। पसंद है बेटा? हाँ जी भी। तो फ्रेंड्स को बता दें। हेलो फ्रेंड, मुझे मछली पसंद, आप भी खाइएगा? नहीं। देखिए इसको बहुत पसंद है मछली, ये फ्राई ही खाती है, ग्रेवी वाला नहीं। तो चलिए हम लोग मछली बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये मछली मैं 3-4 बार धोकर रखी हूँ और ये लगभग 2 kg मछली है। तो इसके लिए मैं मसाला क्या रखी हूँ मैं ये दिखाती हूँ। देखिए एक प्लेट में बहुत सारी लहसुन रखी है, मिर्च अपने स्वाद अनुसार, और ये सरसों, और ये आपको एक प्याज काट के रखी हूँ। तो पहले मुझे ये पीस लेना है, मैं दोनों अलग अलग मसाले पीसूँगी, सरसों अलग और ये लहसुन और मिर्च अलग। तो चलिए हम लोग इसको पीस के तैयार कर लेते हैं। देखिए ये मेरा लहसुन और मिर्च ये पीस कर रेडी हो चुका है। तो हम लोग इसमें से आधा मिर्च निकाल लेंगे मछली में डालने के लिए, फ्राई करने के लिए आधा मसाला। और ये आधा मसाला हम लोग डाल देंगे ग्रेवी के लिए। और इसमें डालेंगे हम लोग हल्दी और स्वादानुसार नमक। इसमें मिला लेते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए मेरा यहाँ पे तेल भी गर्म हो रहा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलना चाहिए सारा मसाला। तो ये बहुत काफ़ी बड़ा हो जा रहा था, तो मुझे मिलाने में नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने इसको साइड कर लिया अभी। और मसाला मिला लेती हूँ अच्छा से। तो देखिए मेरा सारा मसाला मिल चुका है, तो हम लोग इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल हम लोग को बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है फ्रेंड। बार में देखिए हम लोग इतना आटा और इतना बचा हुआ है, तो हम लोग एक एक करके फ्राई करेंगे। पहले हम लोग इतना फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद बाकी बचा को दोबारा फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स हमें अच्छी तरह से इधर साइड से फ्राई करना है। देखिए अभी तक हम लोग का फ्राई नहीं हुआ अच्छी तरह से, तो हम लोग थोड़ी देर और वेट करते हैं जब तक ये एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए। एक साइड से फ्राई हो चुका है, तो हम लोग इसको पलट लेंगे वापस। तो बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा चिम्मर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये हम लोग का फ्राई हो गया है, तो हम लोग एक एक करके सारी मछली को निकाल लेंगे। कि फ्रेंड्स एक बार हमारी मछली इतनी फ्राई हो चुकी है, तो बाकी मछली को भी हम लोग इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा सारा मछली फ्राई हो चुका है और तेल इसमें इतना बच गया है। तो हम लोग इस पर डालेंगे पहले फ़ौरन ये प्याज और एक लाल मिर्च है। प्याज बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, देखिए मैं इतना ही बनाई की हूँ, बहुत ज़्यादा ये जलाना नहीं है। तो अब हम लोग इसमें मसाला डाल देंगे। तो देखिए हम लोग को ये जो सरसों मसाला, लहसुन, हल्दी और मिर्च था, तो ये हम लोग मसाला डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारा मसाला डाल दिया है, और जो हम लोग जब ये मसाला में मछली डाले थे, ये भी मसाला हम लोग को फेंकना नहीं है, ये भी हम लोग को ग्रेवी में ही डाल देना है। तो चलिए ये भी मैं डाल देती हूँ, और इसे हम लोग को अच्छी तरह से फ्राई करना है। देखिए ये मेरा मसाला रेडी हो चुका है, अच्छी तरह भुना चुका है, क्योंकि तेल सेपरेट होने लगा है। और मैं ये पानी रखी हूँ, तो ये पानी अब हम लोग इसमें डाल देते हैं। देखिए मैं इसमें पानी डाल चुकी हूँ, अब इसको पानी को गर्म होने देते हैं। तब तक हम लोग पहले ये डाल देंगे ये इसका मुंडी, क्योंकि इसे पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है।
तो ये देखिए मेरी छोटी बैठी है, ये मछली का वेट कर रही है कि कब मछली बनेगा। ना बेटू मछली खाना है क्या? हाँ तुम खाती हो? कांटा नहीं लगता है? तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा, अपना फेस तो दिखा दो। देखो देखिए फ्रेंड्स मेरे बाबू का फेस, क्यूट क्यूट सा फेस, मछली खाने का वेट कर रही हो। क्यों कांटा नहीं कटेगा बाबू को? गड़ेगा तो निकाल के देंगे। ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स बाबू को निकाल के ही देंगे। और तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का ये पक चुका है, तब हम लोग इसमें सारी ये मछली के जो पीसेस है ये डाल देंगे एक एक करके। तो मेरा सारा मछली इसमें डला चुका है और ये जो प्लेट में जो तेल बचा है ये भी हम लोग इसी में डाल देंगे। ऐसे 5 मिनट हम लोग सिर्फ इसमें पकने देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये मछली हम लोग का रेडी हो चुका है, हम लोग गैस ऑफ कर लेंगे। और यहाँ मैं हरी धनिया रखी हूँ, तब हम लोग इससे गार्निश कर लेते हैं। तो मैं यहाँ गर्मा गर्म चावल के साथ ये परोस रही है, ये पेटी वाला पीस है। और देखिए फ्रेंड्स ये तेल था, मछली में हमारा तेल भी निकला था साथ में। और हमारा मछली देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छी तरह से ये बना है। और ये रहा इसका मुंडी, तो इसको हम लोग को बहुत संभाल कर निकालना होगा कि कहीं टूट ना जाए। तो ये मैं परोसूंगी ऐसे चावल के पास साथ में। तो देखिए मैं परोस चुकी हूँ, आप दे रही हूँ खाने के लिए देने के लिए। तो हमारा मछली देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और ये लिए बहुत टेस्टी लगता है।